अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जैसा कि हम मोबाइल में फाइबर अकाउंट क्रिएट करते हैं और हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो ये है कि जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जब हमसे फोन वेरिफिकेशन कोड मांगा जाता है और हम कोई भी 4 डिजिट जब वहाँ एंटर करते हैं तो हमें सबमिट कोड वहाँ डिसेबल का डिसेबल ही छोड़ आता है, यानी कि हम उसको प्रेस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह का आप यहाँ ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो से यही सीखने वाले हैं कि आप फाइबर में सबमिट कोड वाले बटन को आप कैसे इनेबल करेंगे, आप उसको कैसे ग्रीन कलर का बटन बनाएंगे कि आप उसको प्रेस करके नेक्स्ट स्टेज पर जा सके। तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों वाकई हेल्पफुल होने वाली है, बहुत इजी स्टेप्स आपके लिए लेकर आया हूं। बस आपने दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं और अब मैं यहां क्रोम पर जाकर फाइबर को ओपन कर लूंगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। एंटर योर फ़ोन नंबर, आपने यहां वो वाला फ़ोन नंबर ऐड करना है जिस पर आप फाइबर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं अब यहां अपना फ़ोन नंबर ऐड करता हूं और वेरीफाई बाय SMS को प्रेस कर दूंगा। तो इसको प्रेस करने के बाद 4 डिजिट मुझे मैसेज आएगा और वही 4 डिजिट को मैं कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा, 6, 7 और 9, 9। और जैसे कि मैंने ये 4 डिजिट कंप्लीट कर दिए फिर भी मेरा ये सबमिट कोड डिसेबल का डिसेबल ही शोर हो रहा है, और मैंने ये बिल्कुल सही डिजिट करेक्ट किए हैं और बिल्कुल कंप्लीट ये डिजिट मैंने लिखे हैं 4 के 4 और सबमिट कोड हमें डिसेबल का डिसेबल ही हो रहा है। तो आज आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप सबमिट कोड को आप कैसे इनेबल करेंगे, आप उसको कैसे प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है और वहाँ आपने सर्च करना है हैकर कीबोर्ड और आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। और अब ये इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं इसको ओपन कर लूँगा। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, आपने पहले नंबर वाले इनेबल कीबोर्ड को प्रेस करना है और 4th नंबर पर ये हैकर कीबोर्ड होगा, आपने उसको प्रेस करके उसको ओके कर देना है तो ये इनेबल हो जाएगा। और फिर आपने बैक आना है और 3rd नंबर पर सेट इनपुट मेथड होगा, आपने इसको प्रेस करना है और आपने हैकर कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों बस आपने इतना ही छोटा सा काम करना है और इससे आपका सबमिट कोड, आप दोबारा जब आप डिजिट लिखेंगे वही जो आपको कोड आया होगा, यानी कि 7, 6, 7, 9, 9 आपको कोड आया है, वो आप दोबारा जाकर लिखेंगे तो आपका सबमिट कोड इनेबल हो जाएगा, ग्रीन कलर का बटन बजेगा, आप उसको प्रेस करके नेक्स्ट स्टेज पर जा सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि अब मैं यहाँ बैक करूँगा और 6, 7, 9। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपकी ज़रूर हेल्प हुई होगी कि हम फाइबर में सबमिट कोड बटन को कैसे इनेबल करें। और भी दोस्तों इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हम गिग कैसे बनाएंगे, गिग को रैंक कैसे करेंगे, कौन से कीवर्ड हमने ऐसे डालने हैं कि जिससे हमारी गिग फर्स्ट पेज पर आ जाए और हमें बहुत सारे इंप्रेशन मिलना शुरू हो जाए और हमें ऑर्डर भी एब्सोल्युटली मिलेंगे। तो और भी दोस्तों वीडियो बनाऊंगा कि हम मोबाइल में दोस्तों फाइबर का क्रिएट अकाउंट करके दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि एज अ सेलर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, डिस्क्रिप्शन क्या लगाई जाती है। बहुत अमेजिंग हेल्पफुल इजी वीडियोस होने वाली हैं। तो फिर आप तब तक के लिए अपने चैनल इजी वे फॉर एंड्रॉइड को इजाज़त दें और अपना ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।